आ रही हो? Yeah, I'm waiting for you. Just please. Listen, तुम इधर क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें कहा था ना सर्वेंट क्वार्टर से बाहर मत निकलना. मैं वो अच्छा शट अप, सब समझती, जानती हूँ तुम्हारी इन हरकतों को. तुम बार बार तब बेस के सामने आना चाहती हो ना, उसकी अटेंशन गेन करना चाहती हो. जो रिश्ता तब्रेज़ का आपसे है, वही रिश्ता तब्रेज़ का मुझसे भी है. तुम मेरा मुकाबला करोगी? मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, समझी? तुम कोशिश भी ना कर. और वैसे भी तब्रेज तुम्हें तलाक दे रहा है, और फिर मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी. अब अगर आइंदा तुम मुझे बाहर कहीं नजर आई तो मैं गार्ड्स को कह के धक्के दे के तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, समझी? तुम आइंदा नजर मत आना मुझे यहां. अस्सलामुअलैकुम खाला. खाला आप तो समझदार हैं, आपको तो शफक को समझाना चाहिए, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं. खाला इसे समझाएं, ये अब भी गलत समझ रही है. ऐसा कुछ आप लोगों को समझने में बहुत बड़ी गलती करती है मैंने. अम्मी सुन रही हैं आप इनकी बातें? भाई ने आपको रकम देने से इनकार किया और चुप करके सुन के आ गए. आपने एक दफा नहीं सोचा, एक दफा ही सोच लेते कि जूही खाली हाथ ससुराल कैसे जाएगी, कितनी बातें सुनेगी वो मुझे. लेट्स ओए आए भाई, बातें सुनने को मिलेंगी? ओए हमारा खाते हैं और हम ही बातें सुनाएंगे. तो एक तो काम कर, तू ये 3 लाख रुपया ले, तू ये लेके जा अपने ससुराल वालों को, कह अय्याशियां करें, खर्च करें, मुक जाएंगे तो और दे देंगे. हैं रख. आप क्या कह रहे हैं अब्बा? आप अच्छे से जानते हैं कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. ये 3 लाख का क्या करूं मैं? मुझे नहीं चाहिए, रखिए अपने पास. वो देख तेरे भरा ने कहा है ना कि अभी उसके हाथ में सब कुछ नहीं है. वो जो उसकी बेगम है ना, तेरी भाभी सुंबल, वो हर शय पे नजर रखती है. और उसके ऑफिस वाले जितने भी वर्कर हैं वो सारे उसके वफादार हैं. ये मर क्यों नहीं जाती सुबल? अब मैं क्या जवाब दूंगी कलीम को, आप बताएं. ओए पुत, मेरी एक बात ना अपने पल्ले बांध ले. ये कलीम की उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करने की कोई लोड नहीं है. अगर फिर भी बाज ना आए तो बस एक काल कर दें, सीधा कर दूंगा तीर की तरह तेरे कलीम को भी और उसके पूरे खानदान को भी. ये पैसे पकड़ और नोमी के साथ वापस घर जा. मैं और तेरी माँ 2-4 दिन में आ जाएंगे. चल शाबाश. पा? वो कह रहा हूँ ना, ना डर कलीम से, सीधा कर दूंगा उसे. सफिया मैं तुझे बता रहा हूँ, किसी दिन मैंने इसके कलीम को ना पलस्तर कर देना. दादा वास्ते बस कर. फिर ना कहीं मुझे कलीम 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 ना हो गया, कॉर्नर लग गया हमारे सर पे.
पप्पू तो उठा ले, ये ले जा जा जा। तुम्हें शर्म नहीं आई उर्फी? अपनी सगी भाभी के साथ तुम ये गंदा रिश्ता निभा रहे थे? चलो बताओ कब से चल रहे चक्कर? हाँ तुम लोग का चक्कर कब से चल रहा है? अब आ गया ना मेरी आंखों के सामने। शफक आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। तुम तो चुप कर जाओ, एक दफना निकाल अपने मुंह से। अभी तो मैंने तुम्हें इसकी बाहों में देखा है ना। अस्सलामुअलैकुम उर्फी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। वो यार तेरे दिन यहाँ लाहौर आ गई है अचानक, क्या हुआ वहां पे? कुछ जानते हो बताओगे? हेलो हेलो, उर्फी क्या हुआ वहां पे, प्लीज मुझे बताया यार। उर्फी ऐसा कुछ तो हुआ है वहां पे, वरना वो इस तरह अचानक यहाँ क्यों आती? उर्फी प्लीज मुझसे मत छुपाना, मुझे बता क्या हुआ है। दुर्योधन को हमेशा से वहीं होना चाहिए था जहां उसका शौर, अगर वो वहां आई है तो कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। जैसे सोकल का हक है ना तुम पर, वैसे दुर्योधन का भी है। दुर्योधन का ज्यादा हक बनता है तब्रेज, क्योंकि वो तुम्हारी पहली बेटी है। जानता हूं यार उर्फी, लेकिन अभी इसलिए सवाल करने से पहले ये सब बातें एक बार सोच लो। हेलो, मैंने दम पे लगा दिए, प्लेटें लगा लो तो खाना खा लेते हैं। काम करते करते ये वक्त आ गया। शप्पू ये क्या? शप्पू बोल क्यों नहीं रही, क्या है ये? मेरी वफा के बदले उसने तलाक भिजवाई। समझ तो मैं गई थी कि वो खेल खेल रहा है। उर्फी मेरी जगह दुर्योधन को देना चाहता था, ये नहीं जानती थी। पर मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ उर्फी से प्यार किया था, पहले भी सिर्फ उसी से मोहब्बत की थी और हमेशा करती रही। उसे अगर दुर्योधन पसंद आ गई थी तो मुझे बता देता, मैं समझ जाती, शादी से खुद इनकार कर देती, छोड़ देती उसे। पर
से शादी करके मुझे रुस्वा किया, मुझे बर्बाद किया, तलाक दे दी। मेरा घर कुछ बर्बाद हो जाए, कुछ ना बचे तुम्हारा मेरी बेटी को बर्बाद करने वालों, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें करना कर, मैं ना पूरी बरादरी को इकट्ठा करूंगी, संसार करवाऊंगी दोनों को। अल्लाह करे तू मर जाए, मैं देखती हूँ दूर से कैसे ब्याह करती है तुझे। मैं जमाने में इतना रुस्वा करूंगी, इतना रुस्वा करूंगी, तेरे लोग तुझ पे तू तू करेंगे। मैं अभी उसके माँ बाप को कॉल करती हूँ कि ये मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को इस तरह के लेके गए थे कि उसे बर्बाद कर दे। लेकिन मैं बदला जरूर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। इस जुल्म का हिसाब तो देना होगा ना उनको। अम्मा, आपकी बेटी को तलाक हो गई है। मेरी जितनी बच्चे को बर्बाद कर दिया तुमने, अल्लाह करे तुम्हारी भी बेटियां बर्बाद हो जाए। एक बाकी बंदुआ है, कभी तुम्हें सुकून ना मिले। यार ना, मेरी बच्ची के साथ क्या जुलम हो गया। तुम्हें करना, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा, मैं देख दूंगी तुमको। जी वकील साहब, मुझे डिवोर्स पेपर्स बनवाने हैं, एंड इट्स रियली अर्जेंट। जी जी, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। थैंक यू। भाई, यहाँ क्यों बैठे और कब आए आप ऑफिस से? आपको पता है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। चोरी, अंदर जाओ, यहाँ से निकलने की तैयारी करो। लेकिन भाई, क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा ना, निकलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। जो ही मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। अभी अंदर जाओ और बस करने की तैयारी करो यहां से। अम्मा से बात करती ये लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के लाया हूँ। हाय अल्लाह, खाली चाय ले आए? मेरा मतलब, बंदा कोई बिस्किट ले आता है, कोई समोसे ले आता है, मुझसे नहीं पी जाती खाली चाय। मेरा भाई नहीं है, चाचा के मिले समोसे तो लेकर आ गरम गरम। है, अभी जाकर ले आता हूँ। वैसे जुई, तुम जब से तबरेज भाई के बड़े से घर से वापस आई हो ना, बहुत खराब हो गई हो, बहुत आदतें खराब हो गई है तुम्हारी। ये याद रखो, यही हमारा घर है। हो गया तेरा,
चल जाके समोसे लेकर आ, लेक्चर ना दे, चल जा। लाता हूँ। कलीम, हाँ कलीम, कैसे हो तुम? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, खैर खैरियत से पहुंच गई घर? हाँ पहुंच गई हूँ, भाई की गाड़ी पे आई थी, ड्राइवर छोड़ के गए। अच्छा तो फिर कब आऊं तुम्हें लेने? तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अच्छा तुम मेरा इंतजार नहीं, आने वाली रकम का इंतजार कर रहे हो। ये क्या कह रही हो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सही तो कह रही हूँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें पैसे से मोहब्बत है। अरे मेरी पागल जूही, ये रकम मैं किसके लिए ले रहा हूँ? किसके ख्वाब पूरे होंगे, कौन ऐश करेगा? तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। हमारा क्या है भाई, हम तो मेहनत करेंगे दिन रात और कोशिश करेंगे इस बिजनेस को ऊपर ले जाने की। अयाशी करेंगी हमारी बेगम साहिबा। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, तुम इतनी जल्दी मुझसे बदगुमान कैसे हो जाती हो? अरे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्यों सोचते हो ऐसा तुम? तो फिर सुबह लेने आ जाओ तुम्हें। नहीं नहीं, वो असल में ना तुम तो जानते हो उर्फी भाई की तलाक हुई है, आजकल वो बड़े उदास से हैं, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना आना, एक दो रोज में आ जाऊंगी मैं, तुम फिक्र ना करो। मर्जी है जनाब, जब कहेंगे हम तो लेने आ जाएंगे आपको, हमारी तरफ से कौन सी पाबंदी है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। अच्छा चलो मैं जरा उर्फी भाई को देखती हूँ, ठीक है कलीम, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो ठीक है फिर, हम मिलते हैं जल्द, खुदा हाफिज। जूही कैसी माँ है निमन, क्या कर रही है वो, एक मासूम बच्चे की जिंदगी से खेल रही है वो। रिहान कहाँ है, कैसा है, किस हॉस्पिटल में, कुछ भी तो नहीं जानती मैं। मैंने जैसे ही जानने की कोशिश की उसने मोबाइल लिया और तोड़ दिया। रिहान के बारे में इतनी बड़ी खबर जानने के बाद भी उसका दिल नहीं लड़ सका, उसका दिल नहीं रोया। रूही इतनी बेहिस कैसे हो सकती है नमन? हाय अस्का, कैसी हो और किधर गायब हो, इतने दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया। अच्छा लिसन, आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ फॉर द चेकअप, ओके? तो वहाँ आ जाना, उसके बाद फिर हम लोग। तब्रेज़ रेडी हो गया तू? शॉपिंग के लिए चलेंगे, ओके? आ गया तू? ओके बाय। शॉपिंग पे जा रहे हो? हाय शॉपिंग पे तो मैंने भी जाना था, जब से आई हूँ मैं घर में बूस्त रख गई हूँ, चलते हैं। अम्मा आप मुझे बिल्कुल जाने दें, आपको शॉपिंग पे मैं ले जाऊं। तब्रेज़ आज मुझे देर हो जाएगी, शाम को घर आने के बाद डैड के साथ चाय पी लेना, उन्हें कंपनी देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं, इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनका ख्याल रखा करो। के परेशान मत हो, अंकल को कंपनी देना मेरा। तुम जाओगे तो वापस आओगे ना, यू गेटिंग लेट। हाँ बस ब्रेकफास्ट करके निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऑफिस जाके नाश्ता कर लेना, ओके? भूखा जाएगा तू, मैं बना दूँ। ठीक है अम्मा, आई थिंक सुबुल सही कह रही है, ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। लाफिस। बाय। मुझे भी ना चप्पलें चाहिए थी, जूतियाँ, फिर झुमके भी मेरे टूट गए थे दो तीन, तो मैंने कहा के चले जाते हैं शॉपिंग पे, तो जुड़ा लूंगी वहां पे जाके। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तूने शफक को तलाक दे दी, पर क्यों, और क्यों किया तूने ऐसा? और मेरा इंतजार नहीं किया, मुझसे पूछा तक नहीं। वो तो
मुझे जरा सा ख्याल नहीं आया, रिश्तेदारी का मामला है, बरादरी का मामला है। ऐसा ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि तूने एकदम किस्सा तमाम कर दिया? अब्बा जी मैं और क्या करता, वो मुझ पर रतन जी पर गंदे घटिया इल्जामात लगा रही थी, और रतन जी जैसी पाकबाज औरत की किरदार कशी करना, ये कहां का इंसाफ है? मैंने उसे लाख समझाया लेकिन उसको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी, इसमें मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। या अल्लाह, पर कैसी औलाद है मेरी, मुझे जलील करने के नित नए तरीके सोचती रहती। भाई तुझे पता, जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तूने दुर्यतन की खातर शफक को तलाक दे दी है तो वो उस बेचारी की क्या हालत करेगी, जानता है तू? नहीं नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, आप अम्मा को ये बात ना बताइएगा। भाई रख अपने मछुआरे अपने पास, नहीं चाहिए तेरे मछुआरे, बंद कर फोन। अब्बा जी बात तो सुने। अब्बा जी जी, मजे की खबर ये है कि आज बेगम साहिबा जो हैं वो शॉपिंग के लिए बाहर चली गई है, तो लिहाजा आज घर में मेरी हुक्मरानी होगी। अब बताएं क्या खाना है आपको? कुछ नहीं खाना मुझे, चल अपना सामान पैक कर घर वापस चलना है। क्यों, मैंने नहीं जाना इतनी जल्दी, ये क्या बात हुई भला, मैं नहीं जाती। सुनाई क्यों नहीं दे रहा, तुम्हारा वापस जाना बहुत जरूरी है, कब से बैठे हैं अपना घर बार छोड़ के। है क्यों जरूरी है, मैंने तो तबरेज को कहना है कि मुझे यहाँ शहर में वखरा घर लेके दे, मेरा उसकी बीवी के साथ गुजारा नहीं है, मैं नहीं रहना इसके साथ। भला आपको क्या हुआ, आपका क्यों मुंह सूजा हुआ है? खैर तो है, कहीं कलीम ने बदतमीजी तो नहीं की जूही से पैसों के लिए? कलेजा है ना तेरे पास? हाय अल्लाह रहम करे, ना डराए मुझे, क्या हुआ है? तो परसों तेरे पुत्र उर्फी ने शफक को तलाक दे दी है। क्या तलाक दे दी? घर पर बात कर लिया उस बदबख्त ने अपने। हाँ जूही। हेलो अम्मी, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी, शुक्र है आपने कॉल कर ली। ये मैं क्या सुन रही हूँ, उर्फी ने शफक को तलाक दे दिए? जी, और पता है किसकी वजह से दिए? दुर्यतन की वजह से। हैं? क्या मतलब है? मम्मी, मैं तो ये सोच रही हूँ, शफक कितनी बदतमीजी करती थी हमसे, पर भाई ने कभी उसको डांटना तो दूर, समझाने की भी सहमत नहीं की, और अब दुर्यतन की शान में गुस्ताखी हुई तो झट से तलाक ही दे दी। मर जावा की किता है उर्फी ने, मेरा तो पेका मेरे पैर पे आ जाएगा, दुश्मन हो जाएगा मेरा, और मामे चाचे ताए सब छोड़ देंगे मुझे, ये क्या किया इसने? हाँ तो पकड़े ना, हिसाब मांगे उस दुर्योधन की बच्ची से जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। हाँ करती हूँ बाद में, देखती हूँ उसको मैं खैरत को। अरे तय, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ड्रामेबाजियां छोड़, मुझे बता क्या करके आई है, क्या गुल खिला के आई है वहां घर पे, बता जरा मुझे। हैं? मुंह ना हिला, मुबारक हो तुझे, ठंड पड़ जाए किस बात की भला, तलाक दे दिया और फीने शफक को, ठंड पड़ गई तुझे, हो गई है तलाक, जो तू चाहती थी ना वो हो गया, बस चैन आ गया, सुकून आ गया तुझे गंद फैला के। हैं? बता क्या करके आई थी, बता। समझ नहीं आती ऐसा क्या कर दिया था शफक ने तेरे साथ,
जो तूने तलाक ही दिला दी। वाह भाई, बड़ी बात है तेरी। मैं सारी ड्रामेबाजियां तेरी जानती हूँ। बेगैरत के की बोलती है या लगाऊ एक थप्पड़ तुझे? कोई बात नहीं, तबरेज को आने दे, उसको बताती हूँ, वो पूछता है तुझे अच्छे तरीके से। बेगैरत यही। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ कि मैं बहुत थक गई हूँ इसका। अब घर जा तो रही हो तो बस घर जाके अब रेस्ट करना। मैं अब तभी रेस्ट करूंगी जब मैं उससे तबीज की जिंदगी से निकाल दूंगी। मैंने प्लानिंग भी कर लिया। क्या करना चाह रही हो तुम वैसे? Just wait and watch. वो कुछ दिनों की मेहमान है बस, मेरे घर में भी और तब्रेज की लाइफ में भी। सर, मिली सुबुल, इधर आए आप मेरे साथ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है उनकी? अज़का नामी पेशेंट की तो अब तबीयत बेहतर है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन सुंबल और उनके बच्चे के लिए आप दुआ करें। अच्छा अंकल, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की दुआ जरूर सुनेगा, सब ठीक हो जाएगा। हौसला करें अंकल, आप लड़की के पास जाओ, शिकवा के मेरी बेटी के कसम माफ कर दे, मेरी बेटी और उसकी बच्ची की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे। मैं चाहता हूँ कल आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, मुझे बैठे हैं। सजदा करना, दम भी तेरा भरना।
पैसे देने के अवसर में। देखिए हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुंबल की कंडीशन अब पहले से बेहतर है, लेकिन हम मजीद कुछ और टेस्ट कर रहे हैं। बाकी मैं आपको आगे टेस्ट आने के बाद ही बता सकती हूँ। और आप दुआ करें। आप कुछ भी कीजिए डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप ना उम्मीद ना हो, दुआ कीजिए। दुआ तकदीरें बदल देती है। हो जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी, धारस तू है मेरी जिंदड़ी बांधी तेरी, धारस तू है मेरी जिंदड़ी बांधी तेरी। आपने सुना है ना डॉक्टर क्या कह के गई है, उसकी तबीयत बेहतर हो रही है अंकल। सुबह इसके लिए मेडिसिन कुछ है कि वो कुछ नहीं होगा उसको और हमारे बच्चे। तब फिर तुम्हें नहीं लगता कि हादसा हादसा नहीं था, कि हमें हमारे अमाल की सजा मिली है। छोटी तसल्ली दे रही है बेटा, सुपर ठीक नहीं है, मैं जानता हूं, जानता हूं। मैं ठीक हो जाएगी अंकल, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। वापस ले लो तो ज्यादा। अपनी महरूमियों का बदला उसे ऐसे मत लो। मैंने किसी को बदुआ नहीं दी। एक्सीडेंट हो गया, उसकी हालत बहुत सीरियस है। अच्छा डॉक्टर ने कहा है कि कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं वो बच्चा इस दुनिया में जीता चाहता है कभी नहीं। अंकल ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। वो चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते तुम उनकी बेटी को माफ कर दो, उसकी जिंदगी की दुआ कर। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो,
दिन मैं बहुत खुफसत हो गई हूँ यार। धड़कन बेदर्दी हो रही है, पता नहीं मेरा बच्चा बचेगा या नहीं। पता नहीं क्या होने वाला है। सोच के मेरा वजूद कांप रहा है, चीनी हो रही है। कुछ कहो ना, छोटी तसल्ली थी तू हमारे लिए, दुआ कर दो। अल्लाह बेहतर करेगा। नीना, जी सर, इनका सामान उठाए और गेस्ट रूम में सेट करें अभी। जी अच्छा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जरूरत है, जरूरत रहेगी। जी समझ आ गया। समझ आ गया मुझे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। चलो चलो अदरीत। हो जब तुझे मानू तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी, धारस तू